तो भाई मैं अभी पहुंचा हूँ गणपति ढाबे पे यार। मैंने सोचा चल थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। तो भाई ये जो वे है ये पार्किंग में आने का है यहाँ। तो भाई ये जो है ये मछली का दाना है। तो भाई ये राजा बिरला टावर है यहाँ पे। तो यार यही लिखा। तो भाई ये पप्पी मिला है छोटा सा। हाँ क्या हाल है? हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। ये देखो ये लड़का फेस देखो, इसके हरिद्वार में जाता है ये। कहाँ का है इसका? 108 फीट। ओहो 108 फीट भाई, क्या बोलना, क्या बात है भाई। अभी मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार के लिए। तो हरिद्वार जा रहा हूँ तो रास्ते में ही हूँ मैं। तो मैंने कहा यार आपको व्लॉग दिखा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि यार बड़े दिन हो गए मैंने कवर नहीं करा था व्लॉग। तो अभी जाता हूँ मैं वहाँ पे, देखता हूँ फिर सिनेमेटिक शॉट्स होंगे आपको दिखूंगा। मैं ऑन द वे ही हूँ, पर जा रहा मैं अपनी कार से हूँ। पहले मैं बस से गया था, अब मैं अपनी कार से जा रहा हूँ। तो जो भी होगा आपको दिखाऊंगा, इन्जॉय करना यार। और वहाँ का जो वेदर होगा ना वो दिखाऊंगा, अभी का जो वेदर है ना वहाँ पे वो दिखाऊंगा मैं आपको। अभी भाई मैं डीजल डलवा रहा हूँ यहाँ पे, डीजल डलवा के फुल निकलते हैं आगे। भाई इन बंदों की वजह से ना ये जो होता है ना यहाँ पे जाम होता है, ठीक है। ये देखो यार पूरा ना जाम हो रखा है पीछे तक। ये बंदे जो है ना ये सीन क्रिएट करते हैं टोल पर। फास्टैग लगाने का तो यार कुछ फ़ायदा ही नहीं है मतलब। तो भाई मैं अभी पहुँचा हूँ गणपति ढाबे पे यार। मैंने सोचा चल थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, खा के फिर मैं आगे निकलूँगा। बाकी भाई सफ़र तो बहुत बढ़िया था, बाकी टोल तो मैंने आपको दिखाई दिए थे। बाकी देखते हैं वेदर कैसा है। वैसे वेदर तो ठीक ठाक ही लग रहा है। अभी गणपति ढाबा है, यहाँ आओ तो आप विज़िट कर सकते हो, खा सकते हो, अच्छा खाना बनाता है। बाकी भाई वेदर तो ऐसी ही है, धूप निकली हुई है, ज़्यादा खास नहीं है वेदर। भाई मैं आ चुका हूँ अभी गणपति ढाबे पे। तो बाकी भाई खाना खा के फिर आगे की जर्नी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी देखो ये जो है यार ये हरिद्वार को जा रहा रास्ता, और ये जो है ये दिल्ली से आ रहा है, और ये गंगा जी है यार रास्ते में पड़ती है, फ्लाईओवर आता है अगर किसी को पता हो तो। पर इसका कलर जो है यार एकदम ना मतलब लाइक मिट्टी जैसा कलर हो रखा है, होना नहीं चाहिए यार वैसे। तो फाइनली भाई मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूं, और तुम देख सकते हो मेरे पीछे यार नदी है, गंगा जी है, बहुत बढ़िया। तो गाड़ी मैंने भाई पार्क कर दी है, अब जाता हूँ आगे जाता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ यार व्लॉग क्या है क्या नहीं। वैसे मौसम तो यार बहुत धूप हो रखी है यहाँ पे, बाकी देखते हैं वहाँ पे पहुँच के आपको सारी क्लिप्स दिखाऊंगा। तो भाई ये जो वे है ये पार्किंग में आने का है, यहाँ से आप पार्किंग में एंटर होगे, और यहाँ से ये जो है आउट गेट है, यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे। और पार्किंग जो है वो है यहाँ पर, ये जो मैंने भी गाड़ी अपनी वहीं लगाई है तो वहीं सेफ़ रहती है, पार्किंग कर दो। कमर्शियल गाड़ी का भाई 100 रुपये है, और जो प्राइवेट गाड़ी है उसका है 90 रुपये। और यहाँ पे यार आपको ये दुकानें दिख जाएंगी। तो भाई ये जो यहाँ से अगर आप आओगे तो ये है पार्किंग है, यहाँ से मैं पार्किंग वहाँ पे लगाई थी। तो यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है एक, और ये सीधा रास्ता जो निकल रहा है ये जो पुल बता रहे हैं, भाई से पूछा है कि ये हाथी पुल है, एलिफेंट पुल। तो यहाँ से व्यू दिखाता हूँ यार आपको। तो भाई यहाँ पे ये टैटू वाले भी बैठते हैं, अपने दिल्ली में भी बथेरे हैं। हाँ भाई आर्टिस्ट हो, पूरे हैं, पूरे आर्टिस्ट।
सही है यार। माइक कितने का? भाई ये है 2000 का माइक GoPro का। तो भाई ये जो है ये मछली का दाना है, ये जो है भाई कितने की आती है कटोरी? ये 10 रुपये की है यार एक कटोरी। तो यार मैं तो रिकमेंड वैसे नहीं करूँगा कि डालना चाहिए, क्योंकि यार मछलियाँ को दाना डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। गंगा जी यार अब पवित्र होती है, उसमें जो गंद वगैरह होता है वो सारा वो उसके अंदर जाता है। तो भाई ये पता नहीं क्या है, ये सिक्के लेके बैठे हैं भाई साहब, क्या है अंकल? यूनिक करेंसी। अच्छा तो पैसे, पैसे। अच्छा तो इसकी इम्पोर्टेंस है इंडिया में, ठीक है ना अंकल? सही है, इंडिया वर्ल्ड देश का करेंसी। तो भाई ये व्यू है हरिद्वार का, मतलब यार टेम्परेचर तो मतलब दिल्ली के मुकाबले ही है, दिल्ली जैसे ही टेम्परेचर है, बट ये है कि चलो हल्की फुल्की ठंड है, बस ठंड भी नहीं, हवा चल रही है बस ठंडी, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। भाई ये देखो किसी ने बच्चों के यार डायपर वगैरह और पता नहीं क्या गंद गुंद रखा है, यार ऐसे मत किया करो यार, मतलब गंगा जी है यार पवित्र है, इनको ऐसे करके यार गंदा मत करा करो। तो भाई यहाँ पे पहले जैसा क्राउड नहीं है, जैसे मैं पहले आया था ना जब हरिद्वार आया था दर्शन करने के लिए, मतलब बस में जब मैं आया था तब कुछ ज़्यादा क्राउड था, पर अभी कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं है, खाली है पूरा। तो भाई गंगा जी में ना ये व्यू बहुत प्यारा लगता है, ये देखो ये शायद यार मे भी सरस्वती माता है और गंगा जी के एकदम बीचों बीच है, और इधर ये शिव जी जी है भोलेनाथ जी, मतलब व्यू इतना डिसेंट लग रहा है ना ये। तो भाई ये अभिषेक मिले हैं मेरे को, भाई बंदा बहुत बढ़िया है यार, इसने मुझे गाइड किया कि भाई आप वहाँ पे अगर शिवजी जी के पास जाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो व्यू होगा यार अलग ही होगा। तो भाई गाइड कर रहा है कि वहाँ से इस तरफ से जाना पड़ेगा फ्लाईओवर पे चढ़कर, उसके बाद राइट मार रहे हैं गंगा जी के किनारे किनारे, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। तो भाई का भी चैनल है यार, सब्सक्राइब कर देना, क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा ब्लॉग के नाम से है। तो यार उसमें मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो भैया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों के सब लोग प्यार की ज़रूरत होती है, सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कहाँ से कहाँ जाते हैं एक से एक चीज़ सिखाने के लिए। तो आप लोगों का बस केवल यही चाहते हैं लोग कि आप अपना प्यार दें और हम अपने एक से एक आपको कंटेंट दिखाते हैं। तो भाई मुझे पता है कहाँ जाना है, मुझे जाना है यार वहाँ पे, ये जो भोलेनाथ की दिख रही है ना ये मूर्ति, यहाँ पर जाना है। तो ये जो वे है ना ये दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो भाई ये जो वे है ये सीधा जाएगा वहाँ पे, अपना भोलेनाथ की जो मूर्ति है वहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे जाएगा, और ये रास्ता यहाँ से जा रहा है। तो भाई मुझे ये लड़के मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से सिक्के निकलते हैं, तो भाई इनसे पूछते हैं कैसे निकलते हैं सिक्के। हाँ कैसे निकालते हैं सिक्के बता तो दे, शर्मा रहा है इधर तो देख, शर्मा रहा है क्या तू बता दे भाई, इससे निकलते हैं। अच्छा मतलब भाई ये बंदा कह रहा है कि एक दिन में 5 रुपये, मतलब 5 रुपये निकलते हैं इनके, कितने? मतलब एक दिन में 50 रुपये निकल जाते हैं आराम से। तो भाई 50 रुपये में हो रहा था गुजारा, क्या करो तो 50 रुपये का चाबी लगाते हैं, ये क्या मतलब है भाई? कौन सी चाबी? छोले बर्गर लगाते हो? अच्छा अच्छा ये भाई छोले बर्गर लगाते हैं लौंडे। तो भाई मैं वहाँ से आ रहा हूँ चलता हुआ पूरा, और वहाँ से चलता हुआ अब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से गंगा जी के पास से ये रोड सी आ रही है पटरी सी। तो यार मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ, आपको दिखाया था मैंने शिव मूर्ति है वहाँ पे, वहाँ जाना है। तो भाई ये पप्पी मिला है छोटा सा, हाँ क्या हाल है? हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। ये बेचारा यार भूखा है यार, कोई चीज़ की दुकान नहीं है, नहीं तो मैं इसे दिला देता। ये शायद इसकी मम्मी है, ये घूर के देख रही है, मतलब घूर के नहीं देख रही है, इसको काटेगा, वो बेचारा अकेला पड़ गया। अच्छा ये खेल रहे हैं दोनों, खेलने दो। तो भाई बिल्कुल क्लोज आ गया हूँ मैं, ये देखो शिव जी जी के, क्या यार कसम से क्या लग रहे हैं ना शिव जी जी, मैं बता नहीं सकता यार, ऑसम।
वहाँ से चल के मैं आया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से मेरे को जाना है, इस तरफ से जाना है वो फ्लाईओवर के ऊपर से, फिर मैं आऊँगा यहाँ पर, फिर दर्शन करवाऊँगा आपको। तो भाई ये जो है स्वामी विवेकानंद पार्क है, जब मैं आया हूँ उस तरफ से घूम के तो ये शिव जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो यहीं पे एंटर होगा, ये गेट बना हुआ है, ये पार्क है, यहाँ पे यहाँ से एंटर होंगे। ये देखो व्यू, देखो व्यू आप, जय भोलेनाथ देख रहे हो, क्या बात है यार, ऑसम। तो भाई ये रील वगैरह बनाने में लग रहे हैं यहाँ पे, ये मैडम भी बना रही है भाई। ये देखो क्लोज से व्यू, ये देखो जय हो भोले जी। तो गुरु जी मिले हैं, बाबा जी मिले हैं, इनसे पूछते हैं कि कब स्थापित हुए हैं, कब ये बनाया। हाँ जी बाबा जी बताओ, कब स्थापित हुई थी ये? 2000 में स्थापित हुई थी। अच्छा, 2000 में बनना शुरू हुए, 2003 में चालू हो गई। अच्छा अच्छा, तो ये कब हो गया था कंप्लीट? तीन साल लगा था इसमें कंप्लीट होने में। अच्छा, 3 साल लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार लिटरली मतलब इसकी जो लंबाई है कितनी हुई गुरु जी? ये वैसे 87 फुट, 108 फिट। 108 फिट, ओहो 108 फिट भाई, जय भोलेनाथ, क्या बात है यार। मतलब लिटरली मेरा मन था यार यहाँ आने का, क्योंकि मैं हरिद्वार आया था, हर की पौड़ी तो वहाँ से दूर से दिखी थी मुझे, तो मैं सोच रहा था यार आऊँ। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ। जो आ गए तुम यहाँ। तो बाबा जी कुछ और यहाँ की कोई चीज़ों जैसे रहस्यमन कुछ देख सके मैं दिखा सकूँ? और देखने के लिए यहाँ तो भारत माता मंदिर है, एक देखने की चीज़ है। अच्छा, भारत माता मंदिर, चंडी देवी है। चंडी देवी वो किस तरफ? ये सामने पहाड़ पे है। अच्छा, वो उस तरफ है पहाड़ पे। अच्छा, वहाँ भाई चंडी देवी मंदिर है। माया देवी मंदिर है हरिद्वार में, मनसा देवी मंदिर है। अच्छा, मनसा देवी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये दरवाजा दर्शन करने की चीज़ें हैं, देखने। हाँ, ये दर्शन करने की चीज़ें हैं। ये देखो ये लड़का फेस देखो इसका, हरिद्वार में जाता है ये, कहाँ का है इधर? वो क्या करते हैं इसका? महाकाल बनाते हैं। अच्छा, कहाँ पे? मत्थे पे, यहाँ पे? नहीं, सर पे। सर पे वही मत्था ही हो गया सामने का? का सर तो पीछे हो गया। चलो बढ़िया भाई, बढ़िया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम हरिद्वार है। हरिद्वार? हरिद्वार नहीं, सागर। सागर? अच्छा, हरिद्वार में रहते हैं ना, इसलिए इनको ज्यादातर हरिद्वार ही रटा हुआ है। ठीक है भाई, सागर छोटू, बढ़िया, मजा आ गया। डुबकी कैसे मारेगा? हरिद्वार के पीछे है गंगा जी में। तो भाई मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यार चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं पिछली बार हरिद्वार आया था, तो हरिद्वार में मैंने जो व्लॉग बनाया था, मुझे इतना नहीं पता था कि उसमें व्यूज तो बहुत कम आए थे, बट यार सीरियसली कह रहा हूँ भाई, इस बंदे ने मेरे को दूर से बचा लिया। कह रहा भाई आप पिछली बार भी आए थे, मैंने देखा था आपका यूट्यूब पे चैनल भी है। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू है। अच्छा, तो भाई कैसे पता लगा, आपने पहचाना कैसे? मैंने आपका ये हुआ है ट्राईपोर्ड वगैरह, उससे पहचान लिया। हाँ, क्योंकि मैं यही ट्राईपोर्ड, सेम ट्राईपोर्ड भाई लेके आया था, और माइक भी मेरा सेम था, तो भाई ने इसलिए पहचान लिया। तो भाई थैंक यू भाई मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए यार। तो भाई आपसे भी कह रहा हूँ, जो बंदे नहीं यार वीडियो देख, मतलब जो बंदे ना देखते हैं वो एक्चुअली सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे बहुत बंदे हैं कि यार बंदे वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, वो आगे स्क्रॉल कर देते हैं। तो भाई प्लीज़ यार, अगर वीडियो देखते हो तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है भाई। ये देखो ये घुस गया अंदर, मतलब इनको फुल प्रैक्टिस होती है यार। ये देखो ये फुल मज़े ले रहा है ज़िंदगी के, मतलब हमसे बढ़िया बंदा यही है। अंदर तो चले जा, चल अंदर मत जाइए बेटा, नहीं आगे नहीं जाना ज़्यादा, आ जा। वैसे पानी भी बहुत कम है वहाँ पर। ओ तेरी, ये क्या हुआ? तो भाई अभी तो मैं हरिद्वार में बैठा हूँ, थोड़ा सा थक गया था तो इसलिए बैठा हुआ हूँ। पर यार मैं एक्चुअली यार एक बात बताऊँ, वैसे पिछली बार मैं किसी के साथ आया था यहाँ पे, तो मतलब 4-5 जने थे उनके साथ आया था, बहुत मज़ा आया था। बट यार चलो कोई बात नहीं, कुछ बातें हो जाती हैं जिनसे अगले बंदे को भी गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। चलो ये चीज़ें तो होती रहती है लाइफ में, ये सब चलता रहता है। बट यार उस चीज़ को ना भूल जाना चाहिए, मिट्टी डाल देनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यार मतलब लाइक ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, अकेला तो घूम रहा हूँ, सोलो है। बट फिर भी यार थोड़ा सा होता ही है, बंदे को ना रियलाइज़ होता है कि यार अगर वो बंदा होता, ये बंदा होता तो कितना मज़ा आता। चलो यार लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, पर उसको ना भूल जाना चाहिए, अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है यार। बाकी यार थैंक यू, जो बंदे प्यार करते हैं उसके लिए लव यू, जो हेट करते हैं उन्हें भी लव यू भाई। तो भाई नाना करते हुए यार मैंने भी डुबकी मार ही ली है गंगा जी की, क्योंकि यार मैं यहाँ पे आया था तो जिस तरह से लोग लगे हैं यार डुबकी मारने, तो मेरा भी मन कर गया, क्योंकि भाई सूरज जो है ना पूरा फुल एटीट्यूड में है, और पूरी इसकी किरणें जो है ना पूरी पड़ रही है इसके अंदर, गंगा जी के अंदर। तो बड़ा मन करा यार मतलब डुबकी मारने का, तो मैंने मार ली भाई।
मतलब व्यू देखो यार, ऑसम व्यू है यहाँ का। मतलब यहाँ पे है नहीं पहले के मुकाबले, जो यहाँ पे जब पहले जब मैं आया था तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बट आज की डेट में यहाँ पे क्राउड नहीं है। तो भाई मैं अब सोच रहा हूँ कि यार निकलूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अब हो चुकी है और टाइम हो गया अपना वही 5:30 हो गए होंगे। तो निकलता हूँ यार, वहाँ पे जाऊँगा, फिर उसके बाद देखता हूँ कुछ खाऊँगा, फिर उसके बाद आगे जर्नी कंप्लीट करूँगा। अब मुझे दिल्ली निकलना है। अब यहाँ पे आया था, जो काम मेरे को हरिद्वार आपको एक्सप्लोर करना था वो कर दिया, पहले मैंने ढंग से नहीं किया था, तो अब मैंने सोचा कि यार अपना फ्री टाइम में जाऊँ और फ्री टाइम में पूरा एक्सप्लोर करूँ, फिर आपको बताऊँ। तो मैंने एक्सप्लोर यार कर दिया है। बाकी यार कमेंट करके बताना यार कैसी लगी वीडियो। भोलेनाथ के दर्शन कर लिए मैंने, आपको दिखा दिए थे, गया था मैं, तो अब वापस जा रहा हूँ गाड़ी के पास, देखता हूँ यार अगली बार कब आता हूँ फिर। तो भाई यहाँ का जो व्यू है ना वो देखो आप, ये देख रहे हो, मतलब ये बादल जो है ना ये आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, पर सीरियसली कह रहा हूँ यहाँ से देखने में ना यार ऑसम बहुत लग रहे हैं यहाँ पे, पूरा देख रहे हो आप, ये जो चीज़ है ना व्यू है, मतलब ये जो है भाई आरती होने वाली है। अब टाइमिंग मुझे नहीं पता कब की टाइमिंग है, वैसे 7 बजे के करीब होती है, तो मेन जो आरती होती है भाई यहीं होती है, वहाँ सामने होती है आरती, वहीं होती है ना आरती, वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे आरती होती है। तो रश देख रहे हो यार अभी से कितना हो गया। नहीं भाई खड़ा कोई नहीं होगा लास्ट तक, कोई भैया भैया काम करने पहले बैठ। तो भाई को काम करना था, मैं उससे पूछ रहा था यार कि टाइमिंग ही बता दे कब स्टार्ट होती है कब नहीं। तो भाई आरती जो है ये 7 बजे तक स्टार्ट होती है, बाकी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई बैटरी बहुत ज़्यादा लो है आईफोन की। तो अगली बार जो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा, उसके ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं रखा मैंने इसके साथ, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा यार आपको। भाई मतलब जब यहाँ आते हैं ना तो मतलब ऐसा लगता है कि यार यही जन्नत है, मतलब देख लो ये हर की पौड़ी के लेफ्ट हैंड साइड पर है, अरे भाव देख लो यार कितना तेज है गंगा का, बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज। भाई अब ये देख रहे हो ये जो हो रहा है ना सारी धर्मशाला है यहाँ पे, जब आप आओ कभी विजिट करो, जब यहाँ पे दर्शन के लिए आओ तो यहाँ पे चीपे रेस में मिल जाएगी आपको, 300 से 400 के बीच में यहाँ पे धर्मशाला आराम से अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपनी गाड़ी के पास, अब भाई बैठता हूँ इसमें और चलते हैं। तो भाई मैं पहुँचा हूँ अभी पार्किंग में, ये मेरी गाड़ी खड़ी है भाई, अब मैं यहाँ से निकलूँगा थोड़ी देर में, 1 घंटे के बाद मैं निकलूँगा। बाकी यार फ़ोन की बैटरी लो थी इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करा, बाकी भाई हालत डाउन है। तो भाई 10 तारीख को मैं निकलूँगा कसौल, और कसौल का पूरा व्लॉग आपको दिखाऊंगा, और कसौल के बाद जाएंगे हम अमृतसर, और सारा व्लॉग दिखाऊंगा आपको, जो भी होगा सारा कुछ दिखाऊंगा उस सेट। तो भाई अभी मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पे हवेली पे, तो भाई हवेली पे अब देख लेते हैं खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी तो रह रहा है यार दिल्ली 80 किलोमीटर है यहाँ से कम, तो यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर खाना खा के फिर आगे निकलेंगे।